सो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर वन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है ये सीखा था। लेक्चर नंबर टू में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है वो कंसेप्ट समझे थे। लेक्चर नंबर एट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये सीखे थे। तो ये तीन लेक्चर के कंसेप्ट तो यहाँ पर काम आना ही है। ये तीनों लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर आपको जल्दी समझ में आएगा। वैसे लेक्चर नंबर 11 चल रहा है, इसके पहले के 1 to 10 पूरे लेक्चर अगर देख लो तो ये लेक्चर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक नंबर टू जो पहले भी बोला था कि क्वेश्चन सामने होगा तो समझ में जल्दी आएगा, तो क्वेश्चन हमेशा सामने होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, वो हमेशा डिस्क्रिप्शन ओपन रहे। मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ते जाओ और समझते जाओ तो जल्दी समझ में आएगा। तो किसी टीवी सीरियल जैसे वीडियो को नहीं देखना है, कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है ये, आपको धीरे धीरे पॉज करते हुए समझते हुए लाइन पढ़ते हुए आगे बढ़ना है तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो आइए, तो ये हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बनानी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, वही लेक्चर वन का रिपीटेशन रहेगा, कुछ नए कंसेप्ट उसमें जुड़ जाएंगे। कल आने वाले कल लेक्चर में क्वेश्चन 12 लेक्चर नंबर 12 में हम इसी क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो आए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है पी क्यू आर एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशो एज 2:2, 2:2, 2:3 रिस्पेक्टिवली। चार पार्टनर से पी क्यू आर एस और इनका शेयरिंग रेशो है 2:2, 2:3। तो लास्ट में जो प्रॉफिट निकलेगा, डिविजुअल प्रॉफिट जब लास्ट में आएगा वो इस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ये रेशो हमें क्वेश्चन के सबसे एंड में जरूरत पड़ेगी इसकी, तो बाद में वापस देखेंगे। देयर टोटल कैपिटल वर ₹90 लाख इन शेयरिंग प्रपोर्शन। चारों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल दी हुई है और ये कैपिटल पार्टनर्स में उनके शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड है 2:2, 2:3 के रेशियो में। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, और हम अभी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए अभी इसको हम छोड़ देते हैं। आगे एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा वो दिया हुआ है, एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और हम लिखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन से पार्टनर को क्या मिलना है देखते हैं। पी फॉर सैलरी ऑफ 5000 क्वार्टरली, पी को क्वार्टरली सैलरी देनी है 5000। अब जो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह वगैरह दिए जाते हैं, ये सब दो तरीके से दिए जाते हैं, या तो बीइंग चार्ज दिया जाता है या बीइंग अप्रोप्रिएशन दिया जाता है। इनका मतलब क्या है वो लेक्चर टू में मैंने क्लियर किया था, यहाँ पर शॉर्ट में क्लियर कर भी रहा हूँ। अगर पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन या बोनस दिया जाता है, अगर ये बीइंग चार्ज देना है मतलब कंपल्सरीली देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो देना ही है। तो अगर चार्ज है तो सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, लिख देना है। लेकिन अगर पार्टनर्स को जो सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट वगैरह वगैरह दिए जाते हैं, अगर ये बीइंग अप्रोप्रिएशन दिए जा रहे हैं मतलब बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है भी कि नहीं, और जितना सैलरी बोनस वगैरह देना है उतना प्रॉफिट है भी कि नहीं। फिर अगली बात कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि भाई पार्टनर्स को सैलरी इंटरेस्ट वगैरह जो भी देना है ये सब बीइंग चार्ज देना है कि बीइंग अप्रोप्रिएशन देना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अप्रोप्रिएशन मानना है। तो यहां पर क्वेश्चन में यह नहीं बताया है कि पी को जो सैलरी देनी है वो बीइंग चार्ज की बीइंग अप्रोप्रिएशन देनी है, तो बीइंग अप्रोप्रिएशन मानेंगे, यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट मानेंगे इसको। तो भाई सिर्फ बी को पी को सैलरी देने के पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि जितनी पी को सैलरी देनी है उतना प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ होगा तो देंगे। अभी अगर हम सैलरी की एंट्री कर दें और बाद में अगली लाइनों में देखें कि प्रॉफिट ही नहीं इतना, तो फिर ओवर राइटिंग करनी पड़ जाएगी, इसलिए पहले प्रॉफिट देख के लिखना चाहिए। हमेशा अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाओ तो पहले पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढो, उसकी एंट्री पहले करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक, तो हम सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। देखो सेकंड पैराग्राफ की लास्ट वर्ड में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है,
तो लास्ट में दिया हुआ है 11,28,000 सेकंड पैराग्राफ में। तो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो है वो 11,28,000 है, मतलब जितनी सैलरी है उतना तो क्या उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी सैलरी दी जा सकती है। पर पहले हम प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। तो प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, बाय नेट प्रॉफिट BD 11,28,000। मैं इस बात को फिर से क्लियर करूं कि नेट प्रॉफिट क्रेडिट में क्यों लिखा जाता है। जैसे हमने 11th में सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वहां से वो प्रॉफिट P&L अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। वैसे ही P&L अकाउंट के डेबिट में जो डिफरेंस आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। P&L अकाउंट के डेबिट में से अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट जाता है, और यहाँ हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट के डेबिट में से यहाँ क्रेडिट में आ रहा है, ये लिख दिया। फिर अगला कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये जो हमने क्रेडिट में प्रॉफिट लिखा है ये प्रॉफिट पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस प्रॉफिट में से जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे हम डेबिट में एंट्री करते जाएंगे, जितना जितना प्रॉफिट पार्टनर्स को देते जाएंगे उतना उतना प्रॉफिट हम डेबिट करते जाएंगे, सो देट उतना उतना कम होता चला जाए। तो अभी हमको पार्टनर P को सैलरी देनी है, तो P को जो सैलरी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से एक हिस्सा हम उसको दे रहे हैं। पार्टनर को जो सैलरी देते हैं वो एक तरह का प्रॉफिट का शेयर है वो, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा और डेबिट में आएगा। तो टू, अगर सिर्फ अगली बात बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ P को सैलरी देनी होती तो 2P से सैलरी लिख के अमाउंट सीधे बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं, पर नहीं, यहाँ पे P के अलावा दूसरे पार्टनर्स को भी सैलरी देनी है, इसलिए सभी सैलरियां अंदर लिख के उनका टोटल करके बाहर लिखेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेश्चन करो पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ताकि पता चले कि भाई सैलरी एक को देनी कि ज़्यादा को देनी, कमीशन एक को देनी कि ज़्यादा देनी, क्योंकि सभी सैलरियां एक साथ आएगी, सभी कमीशन एक साथ आएंगे। तो टू पार्टनर सैलरी लिखेंगे, क्योंकि P के अलावा और भी सैलरी आनी है। तो टू पार्टनर्स सैलरीज, P की सैलरी लिख रहे हैं पहले हम, तो P को 5,000 सैलरी क्वार्टरली देनी है, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर की 5,000 सैलरी और 4 क्वार्टर है, तो 5,000 × 4 = 20,000। तो P की सैलरी 20,000 लिख दो, क्योंकि इतना प्रॉफिट है हम दे सकते हैं, इतना उससे बहुत ज़्यादा ही है प्रॉफिट हमारे पास। अब एक और सैलरी दी हुई है वो हम पढ़ के देखते हैं। तो देखिए आगे की लाइनों में क्यू की सैलरी दी हुई है, वो पहले पढ़ लेते हैं फिर वापस पीछे आएंगे। क्यू इज एंटाइटल फॉर सैलरी ऑफ 8,000 एनुअली, तो क्यू को 8 ईयर सैलरी देनी है, और वो सैलरी एनुअल है, क्वार्टरली नहीं है, मंथली नहीं है, एनुअल है। तो ये क्यू की टोटल सैलरी ऑफ द ईयर दी हुई है, तो उसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्यू की सैलरी 8,000 लिख दो और बाहर टोटल भी लिख दो 28,000। तो ये हमने सैलरी दे दी पार्टनर्स को, अब हम आगे पढ़ के देखते हैं और क्या देना है। तो लाइन नंबर 4th में आ चुके थे, पी फॉर सैलरी ऑफ 5 क्वार्टरली ये हो चुका है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पी को 10% कमीशन भी देना है, 10% कमीशन भी देना है, पर 10% कौन से अमाउंट का, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब प्रॉफिट में सैलरी माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने के पहले, कमीशन माइनस करने के पहले, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद, क्योंकि आफ्टर है, कमीशन माइनस करने के पहले क्योंकि बिफोर है, जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% P को कमीशन देना है। तो आओ हम अब इसकी एंट्री करते हैं। तो डेबिट में लिखेंगे 2 पीस कमीशन। तो 11,28,000 प्रॉफिट है, इसमें से 28,000 सैलरी के माइनस कर दो, लेकिन कमीशन मत माइनस करना। तो ये 11,00,000 प्रॉफिट आ गया सैलरी माइनस करने के बाद और कमीशन माइनस करने के पहले, और इसका 10% देना है पी को कमीशन, तो ये होता है 1,10,000। तो ये हमने दे दिया पी को कमीशन। अब आगे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ते हैं, क्यू वाला सेंटेंस चल रहा था, क्यू जो इंटाइटल सैलरी ऑफ 8,000 ये हो चुका है, एंड
कमीशन ऑफ 10%, क्यू को भी 10% कमीशन देना है। पी की कमीशन तो लिख चुके हैं, अब आगे सेंटेंस चला है कि क्यू को सैलरी देनी है 8,000, वो हम पहले लिख चुके हैं, एंड 10% कमीशन भी देना है उसको। तो क्या लिखा है कि कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। लेकिन क्यू के बारे में एक बात कही है कि भाई क्यू को जो सैलरी कमीशन देनी है वो ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशन माइनस करने के बाद देनी है। इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, उसको ध्यान से समझ लेना तो पॉइंट सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत इजीली माइंड में बैठ जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, इसको ध्यान दे के सुनिएगा। तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे क्यू को 10% प्रॉफिट का कमीशन देना है, पर प्रॉफिट कौन सा, जिसमें ऑल कमीशन माइनस हो जाए और ऑल प्रॉफिट माइनस हो जाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेट पॉइंट है वो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। कौन सा पॉइंट इस वर्ड के अंदर उलझाया हुआ है, इस सेंटेंस में उलझाया है, वो पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। तो कमीशन की एंट्री करेंगे हम लोग। तो डेबिट में लिखें टू क्यूज कमीशन, जो जो चीज़ें पार्टनर्स को हम देते जा रहे हैं वो हम डेबिट करते जा रहे हैं, सो देट क्रेडिट के प्रॉफिट में वो चीज़ें कम होती चले जाए। तो देखो प्रॉफिट हुआ है 11,28,000, इसमें से ऑल पार्टनर्स सैलरी माइनस करने के लिए बोला है, तो माइनस 28,000 टोटल सैलरी जो हमने ऊपर लिखी थी पहली एंट्री में लिखी थी, ये माइनस बोला है कि ऑल कमीशन माइनस कर दो। तो पहले तो हम पी के कमीशन 1,10,000 माइनस कर देते हैं, ठीक, ऑल सैलरी माइनस कर दी, पी की कमीशन माइनस कर दी, पर उन्होंने पी की कमीशन नहीं ऑल कमीशन माइनस करने के बोला है, यानी क्यू की कमीशन भी माइनस करने के बोला है, पर क्यू की कमीशन तो हमको मालूम ही नहीं है, वो हमने कैलकुलेट ही नहीं करी है, वही तो कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग चल रही है, तो वो कैसे माइनस होगी। कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट आया इसमें से ऑल सैलरी तो माइनस हो चुकी है, लेकिन कमीशन सिर्फ पी की माइनस हुई है, इस प्रॉफिट में से क्यू की कमीशन अभी माइनस नहीं हुई है, जबकि बोला है ऑल कमीशन माइनस करना है। तो ये प्रॉफिट जो है वो क्यू की कमीशन माइनस करने के पहले का प्रॉफिट है, ठीक, और क्यू की कमीशन कितने परसेंट है, 10% है, क्यू की कमीशन 10% है, तो वो इसमें इंक्लूड है। बोला है कि इस प्रॉफिट में क्यू की कमीशन भी माइनस करना है, क्योंकि और मतलब क्यू की कमीशन भी माइनस, क्यू की कमीशन नहीं मालूम है इसमें माइनस नहीं करिए, वो इसमें इंक्लूड है, इस प्रॉफिट में क्यू की कमीशन इंक्लूड है और वो 10% है। यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 100% नहीं है, 100% प्लस 10% आप क्यूज कमीशन, यानी ये 110% है। इसलिए जब हम कमीशन निकालेंगे तो इंटू 10 तो करेंगे, पर अपान में 100 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपान में 110 लिखेंगे। तो इस ढंग से अमाउंट आएगा 90,000। तो ये आ गई क्यू की कमीशन, ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। सो आगे पढ़ते हैं कि और क्या देना है पार्टनर्स को। तो हम फर्स्ट पैरा की थर्ड लास्ट लाइन में आ चुके हैं, वो पढ़िए, ऑल द पार्टनर्स विल गेट बोनस 25%, ऑल पार्टनर्स को बोनस देना है 25%, तो 25% काय का, आगे पढ़ो, ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड ऑल कमीशन। प्रॉफिट में से ऑल कमीशन ऑल सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 25% बोनस देना है, पर किस पार्टनर को देना है, तो ऑल पार्टनर्स को देना है, चारों पार्टनर में वो बोनस डिवाइड करना है। अगर चारों पार्टनर में 25% बोनस डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करना है, किसको कितना देना है, वो आगे लिखा हुआ है, लिखा है विच विल बी शेयर अमंग द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। जो बोनस आएगा 25% ऑफ द प्रॉफिट वो चारों पार्टनर में शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि बोनस को डिवाइड करने के लिए एक अलग से रेशियो दिया हुआ है जो है 4:3:2:1। ये शेयरिंग रेशियो नहीं है, प्रॉफिट रेशियो में नहीं डिवाइड होगा, लेकिन बोनस को डिवाइड करने के लिए स्पेसिफाइड रेशियो दिया है, तो बोनस इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो आओ बोनस की एंट्री करते हैं हम। तो डेबिट में लिखें टू पार्टनर्स बोनस। तो प्रॉफिट दिया हुआ है 11,28,000, इसमें से ऑल सैलरी माइनस करनी है, तो ऑल सैलरी मतलब टोटल सैलरी मतलब 28,000, और ऑल कमीशन मतलब तो दोनों पार्टनर की कमीशन भी माइनस करनी है, तो 1,10,000 पहले पार्टनर कमीशन जो ऊपर लिखी थी, माइनस 90,000 कमीशन क्यू की जो ऊपर हमने लिखी थी, तो सभी सैलरी सभी कमीशन माइनस हो गई, तो प्रॉफिट आ गया 9,00,000। इस 9,00,000 का 25% बोनस देना है, कितना होता है वर्किंग लिख लेते हैं, 9,00,000 प्रॉफिट आया था इनटू
25/100, 25% यानी कि, तो ये होता है 2,25,000। तो ये 2,25,000 चार पार्टनर में डिवाइड करेंगे, तो चारों पार्टनर का नाम लिख लो पी क्यू आर एस। 2,25,000 है, इसको 4,3,2,1 के रेशियो में डिवाइड करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डिवाइड करके देखो। सो ये बोनस 2,25,000 जो गिवन रेशियो था, बोनस के लिए अलग से रेशियो था, उसमें हमने डिवाइड कर दिया और लिख दिया। और इसके साथ पार्टनर को जो जो चीज़ें देनी थी, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब लिख चुके गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सब चीज़ें दे दिए। अब जो लास्ट में बात, जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या नाम देंगे, वो समझा रहा हूँ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो डेबिट में आता है, जैसे P&L अकाउंट के डेबिट में जो डिफरेंस आता है वो नेट प्रॉफिट होता है, वैसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट है, इसके डेबिट में जो डिफरेंस आता है वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसलिए लिखा जाएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और चार पार्टनर में ये प्रॉफिट जो आएगा वो डिवाइड होना है, तो चारों पार्टनर के नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर और एस। अब देखें तो आप निकालते प्रॉफिट कितना आ रहा है, डिविजुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 11,28,000, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर रहे हैं, तो डेबिट साइड का टोटल है 4,53,000। 11,28,000 में से 4,53,000 क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया, आया 6,75,000। अब ये चारों पार्टनर में शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा और शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 2:2:2:3, फर्स्ट लाइन के एंड में 2:2:2:3। तो इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिवाइड करो, 6,75,000 प्रॉफिट आया, इसको डिवाइड करो। सो डिवाइड करने पे चारों पार्टनर का प्रॉफिट आ रहा है 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 एंड 2,25,000। तो चारों पार्ट में 2:2:2:3 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जैसा क्वेश्चन में बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से फटाफट लिख लीजिए तो आगे बोलूं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को समझने के बाद, इस लेक्चर के बेसिस पर आप लोग TS ग्रेवाल के 2018 में से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये क्वेश्चन के बेसिस पर 27 और 28 क्वेश्चन जरूर करके देखिएगा TS ग्रेवाल की बुक से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।